भारतीय टीम के सेलेक्टर्स के लिए अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में फॉर्म में चल रहे सलामी बल्लेबाज केएल राहुल और करुण नायर में से किसी एक को वनडे में जगह देना सबसे बड़ी चुनौती होगी। आपको बता दें कि इस मैच ने भारतीय थिंक टैंक को इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में पहले उसके महत्वपूर्ण विकल्पों के बारे में सोचने का मौका भी दिया है। ऐसे में जब टीम के तीनों सलामी बल्लेबाज मुरली विजय, शिखर धवन और केएल राहुल तकनीकी तौर पर फिट हैं, तो ऐसे में मुख्य कोच रवि शास्त्री और कप्तान अजिंक्य रहाणे के लिए चयनकर्ताओं के साथ मिलकर वनडे टीम में शामिल करना बड़ी मुश्किल होगा। आपको बता दें कि बुधवार को अभ्यास के दौरान जब सलामी बल्लेबाज शिखर धवन और मुरली विजय आराम कर रहे थे, तब राहुल और करुण नेट पर पसीना बहा रहे थे, जबकि एमएसके प्रसाद की अगुवाई वाली चयन समिति ने विकल्प के तौर पर ऐसे ही खिलाड़ियों को मौका देने का रणनीति बनाई है। ऐसे में अगर नायर को मौका मिलता है तो वो मिडिल में विराट की जगह नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आ सकते हैं। अब देखना यह है कि सेलेक्टर्स किसको सेलेक्ट करते हैं और किसको मौका देते हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट।